नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एस एस मार्केट न्यूज में। पेटीएम में ऐसी जबरदस्त खबर क्या आई है कि पेटीएम के शेयर में जबरदस्त 10% का यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है। अभी भी यहाँ पे बायर यहाँ पे अपर सर्किट पर लगे हुए हैं, यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन फिर से इसमें जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग के अंदर। बाद में प्रॉफिट बुकिंग का ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी क्या खबर आया है कि आपको जानकर यानी कि खुशी होगी कि पेटीएम के अंदर बहुत जबरदस्त खबर निकल के आई है, जिसके चलते पेटीएम के इसमें आज अपर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। तो जान लेते हैं दोस्तों वो खबर को। तो पेटीएम के में दोस्तों ये खबर आई कि पेटीएम के शेयर में 10% का अपर सर्किट यहाँ पे लगा है। पेटीएम एग्रीगेटर के लिए एफडीआई की मंजूरी मिलने की खबर के बाद चलते ये शेयर्स में 10% का यहाँ पे सर्किट लगा है, यानी कि एफडीआई पेटीएम के अंदर निवेश कर सकता है 50,000 करोड़ के लगभग का ये निवेश। वो एक बार नीचे देख लेंगे यहाँ पे कि कितना प्रपोजल यहाँ पे बंद हुआ है। तो एक बार पहले आपको सारा वो दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पे वो निवेश का यहाँ पे इनका पास हुआ है। चलिए वो अभी मैंने यहाँ पे पूरी खबर ही आपको सामने रख दी है। तो पेटीएम के शेयर्स में 10% का सर्किट रखा, नीचे देखते हैं कौन सी खबर थी, आप अभी जल्दीबाजी नहीं देख पाया मैं। तो पेटीएम के शेयर्स में ये तेजी उन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद आई है जिनमें हिंट दिया गया कि सरकार ने पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए पेटीएम के एफडीआई प्रपोजल को मंजूरी यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अब क्या प्रपोजल वो यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि पेटीएम अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई में पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। अब आरबीआई कंपनी की एप्लीकेशन का रिव्यू यहाँ पे करेगी। तो 5 दिनों पेटीएम का शेयर यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे बढ़ा दोस्तों, 13% यहाँ पे बढ़ा, जिसमें 10% तो आज अकेला यहाँ पे आज के दिन में बढ़ा है। यानी एक महीने में दोस्तों इसका जो रिटर्न आप देख पाएंगे तो 24% का यहाँ पे रिटर्न है। अगर यहाँ पे पेटीएम का शेयर मार्केट कैप देखें तो 32,000 करोड़ रुपये यहाँ पे इसका मार्केट कैप पहुँच चुका है। हालांकि बीते एक साल में कंपनी का शेयर यहाँ पे 35% यहाँ पे डाउन भी यहाँ पे है। तो आपको बता दें ओल्ड टाइम हाई से अभी काफ़ी बहुत नीचे है। ओल्ड टाइम हाई का आपको पता है जो 2185 इसकी लिस्टिंग थी वहाँ से कंटिन्यू अभी पेटीएम का सिर्फ 500 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी नीचे डिस्काउंट मिल रहा है पेटीएम को। पहली तिमाही में आपको पता है कि पहली तिमाही में इसको जो घाटा भी हुआ है 839 करोड़ का यहाँ पे घाटा हुआ है। तो पेटीएम का यहाँ पे नाम है पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन को वित्त 2024-25 की पहली तिमाही में यहाँ पे सालाना आधार पर 839 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ था। उसके बावजूद पेटीएम का शेयर यहाँ पे स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है। पेटीएम वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 के समान के बाय में यहाँ पे 357 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन वो घाटा यहाँ पे बढ़कर 134 करोड़ का घाटा यहाँ पे पहुँच चुका है। कंपनी के रेवेन्यू आयु यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आय में गिरावट आई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आरबीआई ने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त यहाँ बिजनेस पे यहाँ पे जो रोक लगा दी थी उसके वजह से पेटीएम के शेयर पर जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तिमाही आधार पर पेटीएम कंपनी का घाटा यहाँ पे देख सकते हैं आप 53% के यहाँ पे घाटा यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई ने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 29 फरवरी के बाद इसने 15 मार्च को यहाँ पे जो बिजनेस का जो लास्ट अपडेट यहाँ पे दिया था उसके बाद पेटीएम के सारे जो अकाउंट यहाँ पे फ्रीज कर दिए गए थे पेटीएम बैंक को यहाँ पे। और 2009 में पेटीएम की यहाँ पे दोस्तों शुरुआत हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम की शुरुआत यहाँ पे कब हुई थी, 2009 में यहाँ पे शुरुआत हुई थी। लेकिन ये अभी जो एक साल के लगभग एक साल डेढ़ साल हुए तभी इसको भी यहाँ पे शेयर मार्केट में अपनी जो पेटीएम की जो ये शेयर लिस्ट हुए है और इसकी लिस्टिंग प्राइस 2185 दोस्तों वहाँ से आईपीओ जबरदस्त इसका आईपीओ ले आया था। और उस आईपीओ के बाद भी इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 1950 हुई थी और वहीं से पेटीएम के शेयर में जबरदस्त क्रेशन आया, 300 रुपये का ये लो बना चुका है और अभी 300 से 500 रुपये के आसपास आया है। अभी भी बाउंड भी यानी कि इसके कहें आईपीओ की प्राइस अब काफ़ी नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी खबर यही है कि पेटीएम के शेयर्स में यहाँ पे जो एफडीआई की यहाँ पे जो मंजूरी मिली है, तो एफडीआई की मंजूरी मिलने के बाद ये शेयर्स यहाँ बढ़ा है। हालांकि मैंने एक दूसरी खबर में आपको पढ़ा था यू क्लियर नहीं कह सकता यहाँ पे 50,000 करोड़ या फिर ऐसा कुछ इनको निवेश की यहाँ पे योजना है पे इनके मंजूरी मिली है। तो ये खबर वो 50,000 करोड़ की पूरा आप कंफर्म कर लेना, लेकिन खबर आपके सामने कि एफडीआई के यहाँ पे मंजूरी मिली है, इसके चलते पेटीएम के शेयर में अपर सर्किट लगा है। तो दोस्तों इसी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर डाले। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।